एक इसी से रिलेटेड क्वेश्चन आता, हाउ टू रिमेन मोटिवेटेड फॉर सच ए लॉन्ग टाइम। ये तो एक ही साल मुश्किल होता है, आपने तो तीन तीन साल गुजार दिए तैयारी करने के लिए दौरान में, राइट। तो आप जो है कैसे अपने को मोटिवेटेड रखा, जो आप दूसरों को सलाह देंगे, ये बड़ा इंपॉर्टेंट रेगुलर क्वेश्चन आपके दिमाग में भी आता होगा कि कैसे मोटिवेटेड रहे, तो क्या कहेंगे आप? फर्स्ट अटेम्प्ट में तो बहुत सेल्फ मोटिवेशन था मुझे, क्योंकि पढ़ाई में बहुत मजा आता था। फर्स्ट अटेम्प्ट के टाइम में मैं साइंस बैकग्राउंड से हूँ और सब कुछ एक नया वर्ल्ड खुल गया था मेरे लिए यहाँ पे आर्ट्स में, जो मुझे बिल्कुल जानकारी नहीं था। तो मैं सोच रही थी कि मैं बहुत कुछ नया सीख रही हूँ, तो एंजॉय कर रही थी। लेकिन सेकेंड अटेम्प्ट में प्रीलिम्स नहीं क्लियर होने के बाद मोटिवेशन रखना बहुत मुश्किल था। तो उस समय जो चीज मुझे हेल्प किया वो है मेरे फैमिली का सपोर्ट। वो लोग मुझे हमेशा सपोर्ट करते थे, और क्योंकि मैं फर्स्ट अटेम्प्ट तक इंटरव्यू देके आई थी, तो सबको था कि, और मुझे भी था कि आई कैन डू दिस, मतलब ये मेरे रेंज का चीज है। तो वो चीज एक मुझे मोटिवेटेड रखता था कि अगर मैं अच्छे से करूंगी तो मैं कर सकती हूँ। और दूसरा, बहुत सारा सक्सेस स्टोरीज अपने आसपास में देखती थी, अपने जैसे लोग जो सेलेक्ट हो रहे हैं, तो उनको देख के भी मुझे मोटिवेशन मिलता था कि वो कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं कर सकती हूँ। बस यही था। और मैं आई ट्राई टू अवॉइड नेगेटिव पीपल, जो कुछ भी नेगेटिव बात कर रहे हैं कि तुम कर सकते हो या नहीं कर सकते हो। तो वो था एक, मैं फैमिली के अलावा ज्यादा किसी से बात नहीं करती थी। और भाई अगर मन नहीं होता था तो मैंने उसको हैबिट बनाया था, शेड्यूल को फॉलो करना वॉज माई मेन थिंग। एक और जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग था वो पीयर ग्रुप था मेरा, जिनके साथ मैं आंसर राइटिंग प्रैक्टिस वगैरह करती थी। तो उसकी वजह से कंसिस्टेंसी मेंटेन करने में हेल्प होता था कि अगर मन नहीं है तब भी आंसर्स लिखने हैं, क्योंकि डिस्कस तो करना ही है ग्रुप में। तो ये सब कुछ चीजें थी जो मैं यूज करती थी कंसिस्टेंसी और मोटिवेशन के लिए। एक जो फ्रेज है कि फेलियर्स ऑफ पिलर्स ऑफ सक्सेस, आपके बारे में यदि फर्स्ट और सेकंड अटेम्प्ट को लेके चले तो आपने अपने फेलियर्स पे वर्क किए हैं, उनको पिलर्स बनाए, ठीक है ना। तो वो आप फर्स्ट और सेकंड दोनों को ध्यान रखते हुए इस प्रोवर्ब को आप एक्सप्लेन कीजिए। सर फर्स्ट अटेम्प्ट में मेरा प्रीलिम्स और मेंस दोनों क्लियर हो गया था, बट मैं श्योर नहीं हूँ कि कैसे हो गया था, क्योंकि मैंने उतना एफर्ट पुट नहीं किया था जितना आइडियली करना चाहिए। टाइम भी लिमिटेड था और एक्सपीरियंस भी कम था। और फर्स्ट अटेम्प्ट में मेरा हो भी गया होता सिलेक्शन, तो शायद मैं इतना कुछ नहीं सीख पाती जो मैंने सीखा है, जो फेल होने के बाद मैंने सीखा है, खुद को वापस से स्ट्रॉन्ग करना, फिर से वही किताबें लेके बैठना और अनएंडिंग सिलेबस, जिसमें समझ में भी नहीं आता कई बार कि यू आर डूइंग द राइट थिंग और नॉट। आप पढ़ रहे हैं घंटों घंटों, बट आपको कुछ समझ नहीं आता कि आप क्लोज पहुंच रहे हैं या और दूर जा रहे हैं। तो ये सारा चीज जो है, जो मेरा फेलियर था, उसको ही मैंने सोचा कि अब कोई ऑप्शन नहीं है, पढ़ना तो है ही। तो फेलियर में जो जो मेरी गलतियां थी, जैसे मेंस में, फर्स्ट मेंस में जो मैंने मिस्टेक्स किए थे, आंसर के स्ट्रक्चर वगैरह मेरे अच्छे नहीं थे, मेरा कंटेंट ठीक था बट स्ट्रक्चरिंग वगैरह मुझे आता नहीं था, तो उस पर मैंने वर्क किया। फिर प्रीलिम्स क्लियर नहीं हुआ था, तो प्रीलिम्स के लिए मैंने बहुत ज्यादा मेहनत किया, जितना कुछ हो सकता था उतना सब पढ़ लिया, प्रैक्टिस को बहुत ज्यादा डबल ट्रिपल कर लिया। तो जो जो मैं कर सकती थी वो सब मैंने किया, और सारा कुछ फेलियर से ही सीखा, क्योंकि सक्सेस मिलता है तो इंसान उतना नहीं सीख पाता है जितना फेलियर से सीखता है। तो आई एम ग्लैड कि मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं हुआ, अब ये बोलूंगी, क्योंकि एज ए पर्सन फिर मैंने बहुत इवॉल्व किया। वेरी गुड। तो आपके लिए डॉक्टर सोनलाल द्विवेदी जी की जो लाइन है ना, लहरों से डर कर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वाले की हार नहीं होती, उसके अंत में कवि ने लिखा है, असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो, क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो, जब तक ना सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम, कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। तो आपकी जो जय जयकार आज हो रही है, बहुत लोगों को आपके साथ ही आपके फ्रेंड्स को लगेगा अरे तो बड़ी किस्मती है इसका तो हो गया, लेकिन जब ये जानेंगे आपके और आपकी बात को सुनेंगे तो समझ में आ जाएगा कि संघर्ष करके ही इंसान कहीं तक पहुंचता है। और आपने बहुत पॉजिटिव ढंग से अपने फेलियर्स को लिया कि कुछ भी सीखा, और आप कह रहे हैं कि शायद मैं सीख नहीं पाती यदि पहले बार सिलेक्शन होता, तो आपके आगे के करियर में, लाइफ में भी ये बहुत काम आने वाला है, राइट।